हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरके इस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक माइक्रोमैक्स ब्रांड का फ़ोन है और इस फ़ोन का जो प्रॉब्लम है, इसका IMEI नंबर का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, एक्चुअली इसका जो IMEI नंबर है वो यहाँ पर डिलीट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो IMEI नंबर है, इनवैलिड IMEI नंबर। तो फ्रेंड, ज़्यादातर फ्लैशिंग के टाइम मीडियाटेक प्रोसेसर में IMEI नंबर जो है डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड, कैसे आप IMEI नंबर को राइट कर सकते हो, मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे SN जो टूल है, IMEI नंबर टूल, इसको ओपन करना है, जो भी अपडेटेड वर्सन। तो उसको ओपन करने के बाद मैं आपको इसका जो सेटअप है आपको दिखाता हूँ। तो जैसा सेटअप यहाँ पे है, USB को आपको सेम ही रहने देना है और इसमें स्मार्टफोन आपको जो है क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए, जो यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम को आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको सेम ही रहने देना है। अभी सिस्टम में देखिए, ऊपर IMEI में आपको जो है टिक मार्क देना है। आप अगर चाहते हो तो डुअल IMEI भी कर सकते हो। और नीचे पहले नंबर पे सिलेक्ट करके जो फ्लैशिंग फाइल है, उसमें आपको सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे BL फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और BL फाइल सिलेक्ट होने के बाद आपको दूसरा नंबर पे जो है AP फाइल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, BL फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे देखिए AP, इसमें आपको AP फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर सेव पे क्लिक करना है। बाद यहाँ पे देखिए, जो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है IMEI नंबर जो है यहाँ पे सेव कर देना है, यानी कि इसमें कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। तो फ़ोन के अंदर ही आपको IMEI नंबर मिल जाएगा, जिस फ़ोन में आप IMEI नंबर करना चाहते हो, या आप कोई भी IMEI नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। अभी सिंपली आपको USB जो केबल है उसको इनपुट करना पड़ेगा, जो भी वॉल्यूम अप डाउन जो भी की सिस्टम यहाँ पे दिया गया है उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो है USB केबल को इनपुट करना है। और आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो IMEI नंबर है वो इजी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपका IMEI नंबर यहाँ पे राइट नहीं भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे नहीं हुआ, तो मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे IMEI नंबर को सिलेक्ट करके और जो है स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। और अभी USB केबल को यहाँ पर इनपुट करना है। जैसे कि आप देखिए, इसमें जो IMEI नंबर है वो राइट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इसका जो IMEI नंबर है ये यहाँ पे राइट हो गया। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको जो है IMEI नंबर को इजी राइट कर लेना है।